Wah! Burn it down. Burn it. कल हिंदी वेब सीरीज इतना पॉपुलर हो रहा है, उनका कहीं ना कहीं मुख्य श्रेय जाता है तो वो है इंग्लिश सीरीज। आज से ही नहीं बल्कि इंग्लिश सीरीज इंडिया में काफी दिनों से पॉपुलर है और कहीं ना कहीं इंग्लिश सीरीज को देखकर लोग अपने आप को कूल शो भी करते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे हिट वेब सीरीज बने हैं जिसको देखने के बाद लोगों का नजरिया बदल जाता है। और अगर हम इंडियन सीरीज की कंपेयर करें तो इंडिया में बस सास बहुए जैसे सीरियल देखने को मिलते हैं और विदेशों में गेम्स ऑफ थ्रोन जैसे सीरीज काफी दिनों पहले से ही हिट है। तो ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश की 10 ऐसी सीरीज जिसे आपको देखनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवी फिल्टर, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है ब्रेकिंग बैड। इस सीरीज में टोटल 16 एपिसोड हैं और इस सीरीज की पहली एपिसोड 2008 में आई थी और ये 2013 तक चली। इसमें एक हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर की कहानी को दिखाया गया है जिसे लंग कैंसर रहता है और फिर उसे एक इंसान से मुलाकात होती है जो उसकी किस्मत बदल देता है। वो इंसान हाईली ट्रेंड क्रिमिनल रहता है और ये केमिस्ट्री प्रोफेसर, और दोनों मिलके अच्छे खासे पैसे बनाते हैं। इनके लीड रोल में है ब्रायन क्रैनस्टन और एरन पॉल। ये सीरीज 2008 से 2013 तक चली। इस सीरीज को 25 डायरेक्टर ने अलग अलग एपिसोड को डायरेक्ट किया है। ये भी एक अच्छी सीरीज है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक इसके बाद है लूसीफर। ये सीरीज एक शैतान या फिर इंग्लिश में कहें तो डेमन के ऊपर बेस्ड है जो कि नर्क से लौट आया है और वो लॉस एंजलिस में एक क्लब चलाता है। लेकिन कुछ घटना होने के बाद वो लोकल पुलिस के साथ मिलकर अनसुलझे क्राइम केस को सुलझाने में पुलिस की मदद करता है। इसके लीड रोल में है टॉम एलिस और लॉरेन जर्मेन। इसके टोटल 3 सीजन है और टोटल 57 एपिसोड है। इसका पहला सीजन 25 जनवरी 2016 को रिलीज हुआ था, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ठीक इसके बाद 8वें नंबर पर है डेयर डेविल। ये मार्वल सीरीज की पहली प्लान की गई वेब सीरीज थी। इस वेब सीरीज में हीरो की बचपन में ही एक एक्सीडेंट में आंख की रोशनी चली जाती है और वो अपना हाईली सिक्स सेंस से न्यूयॉर्क की क्राइम को रोकता है। ये सीरीज स्पिन ऑफ है द पनिशर एंड जेसिका जॉन्स की, जो कि मार्वल की ही सीरीज है। इसके लीड रोल में है चार्ली कॉक्स और विनिसेंट डी ओफ्रियो। इसके टोटल 39 एपिसोड हैं और ये अप्रैल 2015 में रिलीज हुई थी। एक्शन फिक्शन, क्राइम फिक्शन और लीगल ड्रामा सुपर हीरो बेस्ड इस सीरीज को भी आप देख सकते हैं। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल सकता है। ठीक इसके बाद 7वें नंबर पर है फ्रेंड्स। ये एक कॉमेडी सीरीज है। इस सीरीज की स्टोरी मैनहट्टन में रहने वाले 6 लड़कों पर बेस्ड है जो कि पूरा ही लापरवाह है। उसे जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है और कैसे वो मुसीबत में फंसता है फिर इससे वो बाहर निकलता है, इसी की स्टोरी है फ्रेंड्स में। ये सीरीज 1994 में रिलीज हुई थी। इसके टोटल 236 एपिसोड हैं। इसके लीड रोल में है मैथ्यू पेरी, जेनिफर एनिस्टन, मैट ली बेलेंस और लीजा कुड्रो। अगर कॉमेडी बेस्ड सीरीज देखना आपको पसंद है तो ये सीरीज आप देख सकते हैं। ठीक इसके बाद 6 नंबर पर है डीसी की एरो। ये डीसी कॉमिक्स पर बेस्ड सीरीज है। ये एक सुपर हीरो बेस्ड सीरीज है। एरो तीरंदाजी यानी अर्चरी में माहिर है। डिजर्टेड आइलैंड पर अर्चरी ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपने शहर लौटता है, फिर वहाँ पर वो करप्शन और क्राइम को रोकता है। इसका पहला एपिसोड 2012 में आया था। इसके टोटल 147 एपिसोड हैं। इसके लीड रोल में है स्टेफन एमएल। ठीक इसके बाद 5वें नंबर पर है द बिग बैंग थ्योरी। ये 4 दोस्तों की कहानी है जो जंगली टाइप अपना जिंदगी एक साथ जीते हैं। ये भी कॉमेडी सीरीज है और ये काफी पॉपुलर वेब सीरीज है। इसके टोटल 267 एपिसोड हैं। ये पहली बार 2007 में रिलीज हुई थी। इसके लीड रोल में है सीमोन हेल्वे, जिम पर्सन, जॉनी गैलिकी और इंडियन एक्टर कुणाल नैयर। ठीक इसके बाद 4थे नंबर पर है स्ट्रेंजर थिंग्स। ये सीरीज रिलीज होने के बाद ही काफी चर्चाओं में रही थी। ये एक अमेरिकन हॉरर साइंस फिक्शन स्टोरी है। इसकी कहानी 1980 के दशक पर बेस है
और फिर एक शहर में एक अनजान सी चीज आ जाता है। अब इससे ज्यादा अगर मैं आपको बताया तो आपको ये सीरीज देखने का मजा खराब हो जाएगा। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसको क्रिएट किए थे द डफर ब्रदर्स ने और इस सीरीज ने काफी सारे अवार्ड भी जीते हैं। इसके टोटल 2 सीजन हैं और जल्द ही हमें इसका 3रा सीजन देखने को मिल सकेगा। ठीक इसके बाद 3रे नंबर पर है नार्कोस। ये एक रियल स्टोरी पर बेस है। इसकी स्टोरी पाब्लो एस्कोबार पर बेस है जो कि ड्रग डीलर था और वो लेजेंडरी ड्रग डीलर था। और ऐसे इंसान दुनिया में बार बार पैदा नहीं होते। ये वाकई में बहुत ही फारू सीरीज है। इसको देखने के बाद आप इस सीरीज के पक्का फैन हो जाइएगा। इसका पहला एपिसोड 2015 में आया था और इसके 3 सीजन हैं और टोटल 30 एपिसोड हैं। इसके लीड रोल में है पेड्रो पास्कल और बेडियार्ड हॉलब्रुक। तो जो ये सीरीज नहीं देखे हैं वो जाके देखें, आप इसका फैन पक्का हो जाइएगा। और जो लोग देख लिए हैं वो प्लीज हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसा लगा। ठीक इसके बाद 2रे नंबर पर है द फ्लैश। वेब सीरीज के मामले में डीसी का सबसे हिट सुपर हीरो अगर कोई है तो वो है फ्लैश। दर्शक इसको काफी पसंद करते हैं इसलिए ये काफी पॉपुलर भी है। इसकी स्टोरी बैरी एलिन के ऊपर है जो कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट के साथ साथ उनके पास एक सुपर पावर भी है। वो लाइट से भी तेज चल सकता है या दौड़ सकता है। ये सीरीज सबसे पहले 2014 में आई थी। इसके टोटल 101 एपिसोड हैं। डीसी का लेजेंडरी सुपर हीरो बेस्ड ये सीरीज भी आपको खूब पसंद आएगा। इसके लीड रोल में है ग्रांट गिस्टन और केंड्रिक पेटर। ठीक इसके बाद 1 नंबर पर है गेम ऑफ थ्रोन्स। ये सीरीज काफी पॉपुलर है। ये इतना पॉपुलर है गिनीज बुक में सबसे ज्यादा इलीगली डाउनलोड किया जाने वाला वेब सीरीज का खिताब भी हासिल है। और ये सीरीज वाकई में बहुत ही कमाल का है। ये सीरीज एक फिक्शनल स्टोरी है। ये सीरीज 2011 में रिलीज हुई थी। इसके अभी तक टोटल 7 सीरीज आए हैं और जल्द ही हमें इसका 8वां सीजन देखने को मिलेगा। और इसमें टोटल 67 एपिसोड हैं और आप इसको हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे वेब सीरीज और मूवीज से रिलेटेड जानकारी के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।